नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। माता कात्यायनी भगवान ब्रह्मा, श्री विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के तेज से अवतरित हुई थी। माना जाता है कि जिन लड़कियों की शादी में किसी कारण से देरी होती है, माता की पूजा करने से यह अवरोध दूर हो जाता है। आइए आज माता दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करें। कौन है माता कात्यायनी? माता पार्वती का दूसरा रूप माँ कात्यायनी माना जाता है। संस्कृत शब्दकोश में माँ पार्वती को उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें शक्ति, दुर्गा, भद्रकाली और चंडिका भी कहा जाता है। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में माता का जन्म परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुआ कहा गया है। माता के स्वरूप ने ही देवी पार्वती द्वारा प्रदान किए गए सिंह पर विराजमान होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आद स्वरूपा है। माता के बारे में वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में भी किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा पूर्व में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से 10वीं शताब्दी में रचित कालिका पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। उड़ीसा में तो देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान एक ही माना जाता है। माता कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा? माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि काते हुए। इन्हीं काते के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए लंबे समय तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया, तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने ही इनकी पूजा की, इसी कारण से इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता ने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता ने आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। सिंह पर सवार रहती है माता। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। 4 भुजाओं वाली माता के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। गोपियों ने की थी माता की पूजा। माँ कात्यायनी हर इच्छा पूर्ण करती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। माँ की उपासना से होती है इन फलों की प्राप्ति। नवरात्रि का छठा दिन माँ की उपासना का दिन होता है। माँ कात्यायनी की भक्ति, पूजा, अर्चना और उपासना से भक्त बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति कर लेता है। माता बेहद दयालु है। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए माता का पूजन करना चाहिए। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, ताकि उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो सके। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सोतम देवी पते मे करुते नमः। माता का पूजन मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे देवी माँ, सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी के पूजन की विधि से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।